जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद। आई एम जी जी के डब्ल्यू एच गौरव। आज है सप्तमी, तो आज हम जा रहे हैं माँ दुर्गा का पूजा कहाँ कहाँ होता है वो देखने के लिए और घूमने के लिए माँ दुर्गा का पूजा के समय। तो बात यह है कि आज हम आप लोगों को दिखाएंगे कि कहाँ कहाँ माँ दुर्गा का पूजा होता है। तो पहले हम दिखाएंगे, हम लोग गाँव में दो जगह माँ दुर्गा का पूजा होता है, एक ब्रह्मत्तर में, एक महात्रान में। तो आज हम आप लोगों को दिखाएंगे महात्रान में कहाँ पर माँ दुर्गा का पूजा होता है, फिर दिखाएंगे बलियापुर में हम लोग का जो नियरेस्ट मार्केट है वहाँ पर कि कहाँ पर माँ दुर्गा का पूजा होता है, फिर दिखाएंगे धनबाद में हम लोग का जो कोल फील्ड एरिया है तो धनबाद में कहाँ कहाँ माँ दुर्गा का पूजा होता है ये भी हम आपको दिखाएंगे। तो कंटिन्यू रहिए ब्लॉग पर। हम लोग गांव एक है लेकिन दो नाम किया गया है, एक ब्रह्मत्र एक महात्रान। तो अभी आए हुए हम ही लोग गाँव का महात्रान में माँ दुर्गा का पूजा देखने के लिए, फिर अभी जाएंगे फिर बलियापुर की ओर और उसके बाद आगे दिखाएंगे आपको हम धनबाद में। कंटिन्यू रहिए। तो अभी आ चुके हैं हम लोग बलियापुर मार्केट में माँ दुर्गा मंदिर। ये जो माँ दुर्गा मंदिर है यहाँ पर हम लोग का भी पूजा करना पड़ता है चार साल बाद बाद। तो अब चार साल बाद बाद हम लोग लास्ट 2020 में पूजा किए थे, अब हो चुका है 12 साल बाद बाद पूजा करना होगा। यहाँ पर हम लोग का मतलब पारी पड़ता है गाँव में, जितना हम लोग का दादाजी लोग भाई थे चार भाई मतलब एक साल बाद मतलब चार साल बाद बाद पूजा करते रहता है यहाँ पर। ये बलियापुर का हम लोग का अपना मंदिर है, बलियापुर का मंदिर हम लोग पूजा करते हैं यहाँ पर और हर चार साल बाद बाद पूजा करना पड़ता है। और यहाँ पर बात है ये मेरे बाबा के साथ आज हम 21 साल बाद माँ दुर्गा पूजा में घूम रहे हैं, चाहे गाँव में हो या बलियापुर मार्केट में हो। हम लोग का नियरेस्ट मार्केट है वही, आपका 5.5 किलोमीटर पड़ता है हम लोग घर से बलियापुर मार्केट। तो ये तो आप देख रहे हैं आज मार्केट है यहाँ पर, कैसा मार्केट का माहौल है आप देख रहे हैं, है ना। और ये हुआ माँ दुर्गा मंदिर और अब निकलेंगे हम लोग बाबा यहाँ से, घर चले जाएंगे बाबा बोले धनबाद नहीं जाएंगे हम, तो हम जाएंगे धनबाद। और धनबाद में कोलफील्ड एरिया में तो ये सब दिखाएँ हम गाँव में और बलियापुर में, अब धनबाद में भी दिखाएँगे आपको हम। पर माँ दुर्गा की पूजा में हर साल 20 से 25 हज़ार का भीड़ रहता है। और बात यह है कि मेरे दादाजी का जितने भाई लोग थे सभी मिलकर 2016 में पूजा किए थे, उसके बाद भाई भाई में डिवाइड हो चुके हैं। अब 2024 में पूजा करेंगे, फिर हर 12 साल बाद बाद हम लोग यहाँ पर माँ दुर्गा का पूजा करेंगे।
तो आ चुके हैं धनबाद, और ये है मेरा दोस्त। ये मेरा धनबाद का पहला दोस्त है। अब पहला दोस्त बोलिएगा तो मतलब मेरा धनबाद टाउनशिप से मेरा गांव पड़ता है 25 किलोमीटर। तो जब से हम धनबाद आना शुरू किए हैं तब से पहला जो दोस्त होता है वही है मेरा ये पहला दोस्त। कि धनबाद आके हमको यही दोस्त मिला है और तब से अभी भी मेरा दोस्ती निभा रहा है। ऐसा नहीं, बहुत घमंड है साले पे, है ना? तो ऐसा बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही अच्छा है, दिल का बहुत ही अच्छा है। तो आज सोच रहे हैं कि धनबाद आप लोगों को बोले कि घूमेंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे कहाँ कहाँ दुर्गा पूजा होता है। तो दोनों साथ में आज इंजॉय करते हुए घूमेंगे और आप लोगों को भी दिखाते हैं दुर्गा पूजा में कहाँ कहाँ घूमते हैं। तो कंटिन्यू रहिए, स्टार्ट करते हैं धनबाद गया पुल से। मतलब धनबाद गया पुल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बगल में स्टेशन है और यहाँ पर एक ओवर ब्रिज है, रेलवे क्रॉस करता है, इसको गया पुल कहते हैं। उसी के पास आते से रोड साइड के बगल में माँ दुर्गा का मंदिर है और यहाँ पर भी आप लोगों को दर्शन करवाते हैं और हम भी दर्शन करते हैं। अभी हम आ चुके हैं बैंक मोड़ और नज़ारा आप देख सकते हैं कि किस तरह का है यहाँ का नज़ारा। और ये है बैंक मोड़ के माँ दुर्गा मंदिर और आपको अंदर में भी दिखाते हैं। तो कंटिन्यू रहिए। तो बैंक मोड़ पे भी हम माँ दुर्गा का दर्शन कर लिए हैं और अब आगे बढ़ते हैं और आपको हम दिखाते हैं कहाँ पर और माँ दुर्गा का पूजा होता है धनबाद में। ये माँ दुर्गा का मंदिर धनबाद रेलवे स्टेशन के बैक रोड में है और DAV पब्लिक स्कूल के पास है। तो स्टेशन में जो DAV है वहाँ पर हम आपको दिखाएं, माँ दुर्गा का दर्शन करवाएं। और बात यह है कि वहाँ पर थोड़ा सा दिखाएं क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा हम डिफिनेशन दिए नहीं, ताकि वहाँ पर मतलब गाना चल रहा था और गाना अगर आ जाता यूट्यूब में तो कॉपीराइट का क्लेम आता है, इसलिए थोड़ा सा दिखाएं वहाँ पर, तो जितना हो सके दिखाएं। और अभी आए हैं पुराना बाज़ार तेतुल तल्ला और तेतुल तल्ला में भी हम आपको माँ दुर्गा का दर्शन करवाते हैं और हम भी दर्शन करते हैं। इस पंडाल में जो देखे हम, इस पंडाल में देख रहे हैं कि कोरोना का मैसेज दिया गया है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। और अब आगे निकलते हैं और आगे आपको हम दिखाते हैं। यह है स्टेशन के बैक साइड और इस तरह का नज़ारा है। और अगर पैदल चलते हैं तो फ्रंट साइड में सीधे हम लोग निकल सकते थे, लेकिन अभी तो बाइक लेके आए हैं, वहाँ रखा हुआ है, दोस्त भी बैठा है उसके ऊपर। तो यह है नज़ारा मतलब स्टेशन का बैक साइड का। और अभी हम स्टेशन घुसते हैं, फिर स्टेशन से घुस के वो देख रहे हैं पंडाल, माँ दुर्गा वहीं पर है, तो वहाँ पर जाकर हम दर्शन करते हैं, आप लोगों को भी दर्शन करवाते हैं। धनबाद स्टेशन का लास्ट प्लेटफॉर्म है 7 नंबर और उसी में हम खड़े हैं और वहाँ देख रहे हैं हम लोग का देश का तिरंगा लहरा रहा है, हम लोग का शान है ना। तो अब ये है माँ दुर्गा मंदिर, तो यहाँ पर दर्शन करते हैं और आप लोग को भी हम दर्शन करवाते हैं। तो अभी आ चुके हैं स्टेशन के पास, जो माँ दुर्गा मंदिर है वहीं पर आ चुके हैं
और आप देख सकते हैं वो यहाँ स्टेशन है और ये माँ दुर्गा का मंदिर, और ये इधर से पुराना बाजार का रास्ता है, ये पूरा मार्केट है। यहाँ से अभी कुछ नहीं तो हाफ किलोमीटर पौने एक किलोमीटर मार्केट मिलेगा आपको गली, तो भी हम आपको दिखाएंगे थोड़ा सा, तो कंटिन्यू रहिए। तो अभी माँ दुर्गा का दर्शन कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो धनबाद में बहुत भयंकर भयंकर पंडाल बनाया जाता है, और बात यह है कि यहाँ पर भी बहुत भयंकर बनाया जाता है, क्योंकि पंडाल यहाँ का लोकेशन आप देख रहे हैं बहुत ही मस्त पंडाल बनाया जाता है, लेकिन कोरोना के चलते अभी क्या करें, बहुत ही बेहाल है सबका, तो क्या करें, अभी ऑर्डर भी नहीं है ऐसे पंडाल बनाने का, नहीं तो भीड़ होगा। और इधर देख सकते हैं ये पुराना बाजार का गली है पूरा, जिस तरह का आसनसोल का गली हम आपको दिखाएँ उसी तरह का गली है। और बात यह है कि ये पूरा फुल्ली आपका जो तरफ गली है, जिस तरह का आपको आसनसोल में दिखाएं उसी तरह का गली है ये। तो स्टेशन के पास जो माँ दुर्गा का दर्शन करवाएं वहाँ हम भी दर्शन किए हैं, और यहाँ गाड़ी के लिए देखभाल के लिए बोले कि हम खुद नहीं जाएंगे, हम जाएं आ तुम जाओ, तो हमको भेज दिया लेकिन खुद नहीं गया ये, इसीलिए नहीं बोलते, इसका इतना घमंड है, इसीलिए तो बोल रहे कि क्या बोले यार। थैंक यू। ये घमंड नहीं है, हम नहीं चाहते, यही वाला प्यार होता है कि यही होता है, प्यार बोलते हैं खाली समझे ना कही, हम बोले घमंड तो समझिए कि क्या बोलना चाह रहे हैं, हमको बोल दिया तू चल जा हम गाड़ी देख लेते हैं, चलो भाई थैंक है ना, चल अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग और भी दिखाते हैं। पुराना बाज़ार से निकलने के बाद ये भी पुराना बाज़ार है, इन इसे कहते हैं हरी सभा रोड, और यहाँ पर भी माँ दुर्गा का दर्शन कर लेते हैं और आप लोगों को करवाते हैं। अभी आ चुके हैं हम मनईटांड, और मनईटांड ये मेन रोड के ऊपर है, मनईटांड में तो आपको एक दिखाएं हम जो फ्रंट में पेट्रोल पंप के पास था माँ दुर्गा का मंदिर, और मनईटांड का ये दूसरा माँ दुर्गा मंदिर है जो कि थोड़ा सा अंदर आना पड़ता है, वो हम उस साइड में दिखाएं, और अभी हम लोग इधर चले जाएंगे और भी आगे दिखाते हैं आपको मंदिर माँ दुर्गा का। और ये सर देसी टाइप का बनाया है पुआल का, तो दिखाते हैं सामने से आपको माँ दुर्गा का दर्शन करवाते हैं, तो कंटिन्यू रहिए। निकल रहे थे तो यहाँ पर एक नया दोस्त मिला है ना, बहुत ही नया, आज तुरंत किए दोस्ती है ना, तो बात यह है कि जब से क्लासिकल का डांस सीख रहे तब से ये दोस्ती है हम लोग का, बहुत प्यारा दोस्ती, लेकिन बहुत दिन बाद मिल रहे हैं, दो हजार पंद्रह में मिले थे, उसके बाद हम लोग प्रोग्राम करने गए थे गिरडी में नेशनल का है ना, उस टाइम हम लोग मिले थे, वो डांस का कराटे स्पोर्ट्स में नहीं डांस में, डांस का है जो हम लोग चैंपियन बन के आए हैं, एक ग्रुप में भी और सिंगल में भी बन के आए थे, तो अब बहुत दिन बाद मिले तो खुशी भी लगा, और आगे निकलते हैं और भी दर्शन करवाते हैं और हम भी करते दर्शन। ये मनईटांड है, और मनईटांड का इधर से हम लोग आए हैं अभी और इधर अभी जाएंगे, लेकिन ये जो माँ दुर्गा का मंदिर देख रहे हैं ये तीसरा नंबर माँ दुर्गा का मंदिर है, पहला पेट्रोल पम्प, दूसरा दिखाएँ हम पुआल वाला,
और तीसरा ये माँ दुर्गा का मंदिर है, यहाँ पर भी दर्शन कर लेते फिर आगे बढ़ते हैं। ये भी मनीषाण है और हम लोग अभी आए इधर से और जाएंगे इधर ही। तो ये माँ दुर्गा का चौथा नंबर मंदिर है, यहाँ पर भी माँ दुर्गा का दर्शन कर लेते हैं और आप लोगों को करवाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ये माँ दुर्गा का मंदिर है धनबाद झारखंड मैदान में और बहुत ही खूबसूरत जगह है। आप भी देखिए, बहुत अच्छा ग्राउंड है, ग्राउंड के अंदर माँ दुर्गा का मंदिर है। ये माँ दुर्गा का मंदिर हीरापुर हरि मंदिर के बगल में है। ये हीरापुर हरि मंदिर है और इससे पहले जो हम दिखाएं उसके रोड के उस पार है वो मंदिर, वहाँ पर मतलब गाना इतना चल रहा था जो कि हम वहाँ पर सभी डिफिनेशन दे नहीं पाए क्योंकि वहाँ पर गाना चल रहा था और कॉपीराइट का क्लेम आ जाता है यूट्यूब में, इसीलिए हम वहाँ पर डिफिनेशन दे नहीं पाए। और ये हीरापुर का हरि मंदिर के पास तो रोड साइड उस पार तो दिखाएं हम जिसमें आपको डिफिनेशन नहीं दे पाए, रोड के इसी पार है ये मंदिर, ये माँ दुर्गा का मंदिर और क्लोज से भी हम आपको दर्शन करवाते हैं। और बात यह है कि ये स्टेज है, अब 2 साल से कुछ प्रोग्राम नहीं हो रहा, नहीं तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा अच्छा प्रोग्राम होता है। यहाँ पर बंगाली लोग बहुत ही मतलब अच्छा अच्छा नाटक डांस बहुत कुछ करता है यहाँ पर, और भी करता है, तो कभी हम आए नहीं हैं यहाँ पर प्रोग्राम में, कभी मौका मिले तो ज़रूर आएंगे, तो यहाँ का भी हम आपको दर्शन करवाते हैं माँ दुर्गा का, फिर आगे बढ़ते हैं। ये है हीरापुर माँ दुर्गा मंदिर और क्लोज से भी हम आपको दर्शन करवाते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं हीरापुर तेलीपाड़ा माँ दुर्गा मंदिर और हम सामने जाते हैं, माँ का भी दर्शन करते हैं, आप लोगों को भी करवाते हैं। और ये है बाबा बजरंगबली मंदिर और ये है साईं बाबा मंदिर। तो बात यह कि यहाँ पर मेरा पूरा यादगार जुड़ा हुआ है क्योंकि यहीं पर हम डांस सिखाते हैं और पहले बीजेपी ऑफिस के पास सिखाते थे और उसके बाद ये हॉल देख रहे हैं, ये बिल्डिंग, ये गीताश्री मंडप है, यहाँ पर भी डांस सिखाए हैं और अभी चेंज करके फ्लैट ले चुके हैं, तो आगे में फ्लैट है वहाँ पर, तो वहाँ पर डांस सिखा रहे हैं। तो अभी कोरोना के चलते अभी तो बंद है डांस क्लास, तो चलिए आप चलते हैं माँ का दर्शन करते हैं।
बात यह है कि यहाँ तो हम दिखाएं आपको बाबा बजरंगबली मंदिर, यहाँ साईं बाबा मंदिर है और वहाँ है बाबा भोलेनाथ का मंदिर। बहुत ही खूबसूरत जगह है, आप देख सकते हैं। तो अभी आए हुए हैं बेकार बांध माँ दुर्गा मंदिर और यहाँ पर भी दर्शन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। आधा से अधिक धनबाद में हम लोग माँ दुर्गा का दर्शन कर चुके हैं और ये दोस्त का कहना है कि अब घर छोड़ दो मुझे, तो अब हम इनको घर छोड़ दिए और अब हम अपना भी घर निकलते हैं और घर जाते जाते जितना होगा और माँ दुर्गा का दर्शन कर लेंगे, फिर निकलते हैं घर की ओर। कंटिन्यू रहिए। यह सोसाइटी का माँ दुर्गा मंदिर है और यहाँ पर भी दर्शन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इस मंदिर में लाइटिंग का काम बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन इस साल कोरोना की वजह से इस साल मंदिर में लाइटिंग नहीं किया है। तो आए हुए हैं स्टील गेट माँ दुर्गा का दर्शन करने के लिए। तो आज अजीब लग रहा कोरोना के चलते कि यहाँ पर मतलब इतना खाली एरिया देख रहे हैं आप, कैसा लग रहा खाली खाली। यहाँ पर मतलब पैर देने का जगह नहीं रहता है। ये है बाबा भोलेनाथ का मंदिर और वहाँ बाबा बजरंगबली का मंदिर है जहाँ पर वो देख रहे हैं। और बात ये है कि यहाँ पर इसलिए इतना भीड़ रहता है, मतलब यहाँ पर जो पंडाल बनता है, धनबाद में एक पंडाल बनता है यहाँ पर और एक पुराना बाज़ार में, ये थोड़ा मतलब इतना अच्छा पंडाल बनाता है, मैंने इतना देखने के लिए मतलब सब कोई आता है यहाँ पर देखने के लिए, इतना अच्छा पंडाल बनता है। आपको वीडियो के लास्ट में हम फोटो दे देंगे कि किस तरह का पंडाल बनता है। तो कोरोना के चलते इस बार पंडाल बनाया नहीं तो आपको दिखाते कि कैसा मतलब यहाँ का माहौल रहता है, पंडाल कितना खूबसूरत बनाया जाता है यहाँ पर। तो अभी चलिए माँ का दर्शन करते हैं। ये है लास्ट ईयर का माँ दुर्गा मंदिर मतलब स्टील गेट का पंडाल। तो हम घर पहुँच चुके हैं और आप लोग को हम दिखाएं कि कहाँ कहाँ माँ दुर्गा का पूजा होता है। और हम लोग गांव में जो दो जगह है, एक ब्रह्मत्तर एक महात्रान, तो महात्रान में कहाँ पर माँ दुर्गा का पूजा होता है ये भी हम आपको दिखाएं आज के वीडियो में। लेकिन कल का वीडियो में मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम दिखाएंगे कि हम जहाँ पर रहते हैं ब्रह्मत्तर में, वहाँ पर माँ दुर्गा का पूजा किस तरह से होता है और कहाँ पर होता है ये भी हम आपको दिखाएंगे। तो बात यह है कि दुर्गा पूजा का जो माहौल था ये तो आप लोगों ने देखे कि क्या ऐसा है। और बात यह है कि हम लोग का जो अपना माँ दुर्गा का पूजा होता है, मतलब हम लोग करते हैं माँ दुर्गा पूजा जहाँ पर बलियापुर मार्केट में, वो जगह भी हम आपको दिखाएं। और बात यह है कि जितना हो सका धनबाद में हम उतना आपको हम दिखाएँ माँ दुर्गा पूजा की कहाँ कहाँ होता है। और भी जगह है, ऐसा बात नहीं कि धनबाद में पूरा हम दिखाएँ, धनबाद में जितना हो सका हम दिखाएं। और भी जगह है जैसे झरिया है, निरसा है, सिंदरी है, ये सब जगह हम आपको नेक्स्ट टाइम कभी दिखाएंगे माँ दुर्गा पूजा कहाँ कहाँ होता है ये सब जगह में। तो बात ये है कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा बताइए। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके बताइए कैसा लगा। जो न्यू है इस चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में बेल आइकन उसे भी क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी मैं अपलोड करूँ न्यू वीडियो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो मिलते तब तक के लिए बाय बाय, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।